एक चुटकी हल्दी और सेंधा नमक मात्र एक मिनट में करेगा दांतों के दर्द को गायब। जानिए तिल के तेल के साथ उपयोग करने का सही तरीका। कई बार दांतों का दर्द बहुत ही असहनीय और परेशान करने वाला होता है। लोग इस दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में लोग कई अजब गजब चीज़ों का उपयोग करते हैं। इनमें से एक है हल्दी और नमक। अमूमन आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में हल्दी, नमक और सरसों के तेल का उपयोग दांतों के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। ये प्राकृतिक सामग्रियां न केवल दर्द से राहत दिलाती है बल्कि मसूड़ों को भी मजबूत प्रदान करती है। जिंजिब्रेसी फैमिली का एक बहुत ही अच्छा पौधा है और ये कई रोगों में इसका प्रयोग करते हैं और भारतीय मूल में लोग हरिद्रा का पूजन आदि में भी प्रयोग करते हैं। जितने भी कार्य होते हैं सब में हरिद्रा से उसका शोधन करते हैं। मतलब हरिद्रा बहुत ही उत्तम गुण का पौधा है और इसके कंद का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके पत्र का भी प्रयोग करते हैं अलग अलग जगहों पे। इसके विषय में भी मैं कभी बात करूँगा। और इसके इसलिए अगर यदि जिसके किसी को भी अगर यदि दंत सूल हो, दांत में अगर यदि किसी प्रकार की पीड़ा है या सूजन है, मसूड़े में सूजन है, तो इस प्रकार की समस्या होने पे हल्दी से अगर यदि खुला किया जाए, हल्दी के साथ में लवण के साथ में, लवण भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में शेंदलवण या शेंदलवण का ही प्रयोग करना चाहिए हल्दी के साथ में। और साथ में अगर किसी भी तेल में सबसे श्रेष्ठ अगर तिल तेल का प्रयोग करें। हम जनरली सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं लेकिन तिल तेल का प्रयोग किया जाए और उसके साथ उसकी मालिश की जाए, मसूड़े पे मालिश की जाए और थोड़ी देर मुँह में कवल धारण किया जाए। इसका कवल धारण कहते हैं कि इसको मुँह में रख करके आप मुँह को चलाना, इसको जो लिक्विड मुँह में रखें आप उसको चलाएं और जितनी देर आप रख सकते हैं उसको रखें। जब माउथ का सलाइवा जाए थोड़ा सा बढ़ जाता है, मुँह भर जाता है, तो उसको आप हटा सकते हैं और उसको थूक दें। फिर थोड़ी देर बाद आप सुषुम जल से आप कुल्ला कर लें या फिर मंजन आदि भी करते हैं तो उसको तेल के साथ में, सरसों तेल या फिर तिल तेल के साथ में आप मंजन के रूप में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो भी दांत की बहुत सारी समस्याएं, दांत में चमक अच्छी आ जाएगी, माउथ में का किसी भी चीज़ का स्वाद लेने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसका प्रॉपर टेस्ट आपको मिलेगा। इस प्रकार से हल्दी का प्रयोग आप करते हैं और हल्दी जो है सो बहुत सारे रोगों में, शरीर के व्रण के प्रसादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में हिंदू मैथोलॉजी के जो लोग होते हैं वो लोग हल्दी का उबटन बना करके, हल्दी उसमें भी हल्दी उबटन जो बनता है उसमें भी तेल और हल्दी का प्रयोग होता है और भी बहुत सारी चीज़ें औषधियाँ दी जाती हैं इसमें, जैसे मंगिष्ठा आदि का भी प्रयोग करते हैं और भी विभिन्न औषधियों का प्रयोग करते हैं वर्ण प्रसादन के लिए। तो पूरे शरीर में भी इसकी अगर मालिश की जाए, मालिश करके तेल के साथ में मालिश की जाए और तब स्नान किया जाए कुमकुम जल से, तो इतना फ्रेश आदमी फील करता है। कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, तो चेहरे में काम की शरीर में एक अपने आप में एक स्फूर्ति पैदा होती है सर और आप बहुत बेटर फील करते हैं। इसलिए औषधि हल्दी को एक बहुत अच्छी औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए खान पान में भी हम लोग बिना हल्दी का कोई भोजन नहीं करते हैं। हल्दी का प्रयोग बहुत आयुक्त से भारतीय परंपरा में इसलिए किया जाता है।